पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी, आज अपने नामांकन करने के लिए पहुंची। हाथ में पिता श्री लालू प्रसाद यादव की तस्वीर, बेटी मीसा भारती का कहना था कि आज पिता उनके साथ नहीं है, लिहाजा वो अपने पिता की तस्वीर लेके अपने नॉमिनेशन में जा रही हैं। उनके ठीक पीछे उनकी माँ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बैठी हुई थी और लालू परिवार का सबसे भरोसे वाला पात्र भोला यादव बैठे हुए थे। मीसा भारती ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी से नहीं है, वो गरीबों की आवाज़ बनके पाटलिपुत्रा में लोगों की बात कर रही हैं। पाटलिपुत्रा की जो जनता है वो मीसा भारती के साथ है। पिता नहीं है, लिहाजा माता पिता का आशीर्वाद जरूरी है। माँ पीछे हैं, पिता की जो तस्वीर है वो हाथ में लेके। मीसा भारती ने क्या कहा नॉमिनेशन से पहले, वो बयान सुनिए। सरकार बने और जिस तरह से झूठे और झूठेबाज की सरकार है उसको जनता और खास तौर पे हमारे नौजवान भाई और हमारी महिलाएं और किसान इसको उखाड़ फेंके। मीसा जी चाचा से लड़ाई आपकी, चाचा से मीसा जी आपके किसी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी की लड़ाई है और इसमें कोई रिश्तेदार नहीं है। हाथों में पिताजी की तस्वीर लेके जा रही है आप? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये पहला मौका है जब हमारे पिताजी और हमारे नेता हमारे साथ नहीं है, इसलिए उनकी तस्वीर और उनके विचार को लेकर के मैं वो साथ में माता भी जा रही है साथ में माता जी। बिल्कुल पिताजी नहीं है इसलिए माता जी और माता और पिता में कोई अंतर नहीं। और सीधे तौर पे मीसा भारती अपने आवास यानी 10 सर्कुलर जो रोड है राबड़ी लालू राबड़ी आवास जो है उसके दूसरे गेट से निकली है। पहला मौका है जब नॉमिनेशन के लिए मीसा भारती दूसरे गेट से निकली। अमूमन यह होता है कि आए दिन पहले वाले गेट से निकला जाता है, लेकिन नॉमिनेशन के लिए मीसा भारती दूसरे वाले गेट से निकल के अपने नॉमिनेशन के लिए गई है और वहीं से अपने क्षेत्र में एक जनसभा भी करेंगे, एक रैली भी करेंगे जिसमें उनके दोनों भाई शामिल होंगे। तेज प्रताप यादव भी आज नॉमिनेशन में जा रहे हैं, हालांकि घर पे तो नहीं आए थे लेकिन वो नॉमिनेशन के वक्त मौजूद रहेंगे। तो कह सकते हैं कि तेजस्वी भले यहाँ नहीं हो लेकिन तेजस्वी भी आएंगे और शाम में जो जनसभा है उसमें शामिल होंगे। तो दोनों भाई अपनी बहन के लिए एक साथ दिखेंगे, माँ राबड़ी देवी साथ में है, पिता की तस्वीर लेके मीसा भारती नॉमिनेशन को पहुँची।